ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहुंच गए लेक व्यू पार्क, जहां पे गो कार्टिंग की ये फैसिलिटी मौजूद है। मगर यहां पर आने के लिए आपको एडवांस में बुकिंग कराना पड़ती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आप उस वक्त पहुंचें तो आपको स्लॉट मिल जाए। हम लोग चूंकि 10 से 11 लोग थे, इसलिए हमें एडवांस में बुकिंग करानी पड़ी। द फैसिलिटी इज जस्ट अमेजिंग, स्पेशली फॉर फार्मूला 1 रिस लवर्स, जो यहाँ पर आके अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ये उसका एक मिनी वर्जन है। एंट्रेंस पे विंटेज कार्स का ये बहुत ही खूबसूरत सा शोरूम भी बना हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। और उसके बाद रिसेप्शन डेस्क पे हमें दिखी ये कुछ अमेजिंग कार्स। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं गो कार्टिंग की तरफ। गो कार्टिंग के लिए द टीम बिल्डिंग एक्टिविटी दैट आवर सीनियर्स हैड प्लान्ड फॉर अस, और हम ला रहे थे सजेशन कुछ और भी था। चाह रहे थे कि अगर हम लोग खानपुर डैम चले जाते और वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर लेते, जैसे कि जेट स्की, बोटिंग, इसके अलावा पैरासेलिंग होती है वहाँ, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत चाहिए था, क्योंकि हमारी जाहिर है कि सेल्स प्लानिंग एक्टिविटी थी, उसी में ही 2 बज गए थे। उसके बाद निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी फन, और बहुत लंबी एक्टिविटी नहीं है ये, बट मज़ा आने वाला है काफ़ी। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है और सब काफ़ी फ्रेश हो गए हैं। लग रहा था कि थक जाएंगे, लेकिन थकने से ज़्यादा आई थिंक वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। तो यही खूबसूरती है नेचर की, दैट व्हेनेवर यू गेट क्लोज टू नेचर, तो उसमें कुछ ऐसी फील होती है कि आपकी थकन जो है ना वो उतर जाती है। तो जितनी बुरी हालत मेरी हो रही थी नींद से, क्योंकि नींद कमज़ोरी है मेरी, मतलब मैं खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ लेकिन नींद पे नहीं हो सकता। तो अभी बिल्कुल फ्रेश है हम लोग, फुली एनर्जाइज, और लेट नाइट तक जागने का प्लान तो है। आज हम गेम्स चेंज करने का सोच रहे हैं, कुछ बॉनफायर वगैरह, लेट सी पे हो पाता है नहीं हो पाता है कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, क्योंकि कल सुबह फिर सुबह जल्दी उठना है, और उसके बाद फिर हमारी सबकी प्रेजेंटेशंस हैं, उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो चेकआउट करके निकल जाएंगे और कुछ रुकेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं गो कार्टिंग के क्या सीन है। गो कार्टिंग ने तो बिल्कुल ही ड्रेन कर दिया, मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया गो कार्टिंग के दौरान, बहुत बुरा, शुक्र है बचत हो गई, चोट नहीं लगी। और उसके बाद जो मेरी कार की हालत थी वो ऐसी थी कि कुछ शिवरिंग बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी कोई एफएक्स पहाड़ों में। खैर एनीवेज, ऑक्स ट्रिल को मैं आपको दिखाता, लेकिन इट्स अ फुल हाउस, जबकि अभी 7 बजे सिर्फ इस्लामाबाद में ट्रेन है, शायद जल्दी खाना खाने का, इसलिए पूरा रेस्टोरेंट खराब है। आई होप वी वुड हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर हियर। तो अब आपसे खाने पे मुलाकात होती है, तो देखते हैं कैसा रहता है।
डिनर की बात करें तो मैंने मंगवाई थी ऑक्स ग्रिल की स्पेशलिटी सम ब्लैक पेपर एंड मशरूम स्टेक विच वॉज ओके, और साथ में मंगवाई थी ड्रिंक पीच मॉकटेल विच वॉज नॉट गुड एट ऑल। फ्रेश फ्रूट्स के बजाय उन्होंने फ्लेवर्ड पीचेस की मदद से वो ड्रिंक बनाई थी। खैर बहरहाल भूख में सब कुछ बहुत अच्छा लगा और खाना खाने के बाद हम सीधा पहुंच गए अपने होटल एंड इट वॉज टाइम फॉर बॉनफायर एंड कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन। हम इस वक्त आ गए हैं वापस अपने होटल। वी हैड डिनर एंड देन बर्निंग ब्राउनी, कुछ इस तरह का ही नाम है आई गेस, मैं चेक करूँगा नाम फिर से। उस रेस्टोरेंट पे हमने लिया है चीज़ केक, दो तीन किस्म के अलग अलग, तो वी विल बी हैविंग दैट केक विथ कॉफ़ी एंड टी। एवरीबडी सो टायर्ड, वी हैड अ लॉन्ग डे बट फुल ऑफ फन एंड एक्टिविटीज़। बहुत मज़ा आया आज, काफ़ी थक भी गए हैं बट यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा है। ये वही जगह है जहाँ पे वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आई वॉज अनएबल टू शूट इट इन द मॉर्निंग। आई विल ट्राई कि मैं सुबह इसको शूट कर सकूँ थोड़ा बहुत, बिकॉज दिन में एक अलग लुक होता है, रात में आई थिंक इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल। और सुकून इतना है कि बेचारा यहीं पर जो है ना वो गद्दा लगा के सो जाए। बाकी इट्स वेरी फैंसी एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस दैट आई हैव सीन इन इस्लामाबाद इन द रीसेंट टाइम्स। द आइडिया इज ग्रेट, बहुत बड़ी जगह पर है। और अभी आपको मैं इसके डाइनिंग हॉल का भी दिखाता हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक। तो आइए डाइनिंग हॉल में चलते हैं।